आज जो मैं जो गाना गाया वो समझौता वेब सीरीज के लिए है, एंड बहुत ही मेलोडियस सॉन्ग है, लिरिकली भी बहुत सिंपल लिरिक्स एंड बहुत मेलोडियस म्यूजिक। क्या ये पहला सॉन्ग है ये वेब सीरीज के लिए? नहीं, इससे पहले भी गाया बहुत सारा, अभी रिलीज होना बाकी है, तो ये भी एक आ गया, अपना दोस्त है बिनू का ये गाना है, एंड डेफिनेटली बहुत ही मेरे को बहुत अच्छा लगा गा के। बाकी ये लोग सुना, इन लोगों को कैसा लगा तो इन लोगों को पता चला। म्यूजिक डायरेक्टर कैसे? म्यूजिक डायरेक्टर है इनका दुर्गा नटराज जी। हाँ जी। एंड मेरा बहुत ही पुराना मित्र है, बहुत ही अच्छा उन्होंने म्यूजिक कंपोज किया। ये जो गाना लिखा है गीतकार नवाब आरजू जी। हाँ जी, तो पुराने आपके उससे भी पहले गाने गाए हैं। कितने गाने गाए होंगे आपने अब तक? नहीं, गिना तो नहीं है, होगा 1000-1500 तो होगा। टोटल कितने गाने गा चुके सर अभी तक आप? मैं अभी तक देखिए 26 लैंग्वेजेस में 21,000 प्लस, 21,000 प्लस गाना गा चुके। बंगाली में कितने गाए होंगे टोटल सर? अभी ये तो नहीं बता सकता है, करीब 3,000 तो होगा ही, 3,000 गाना तो होगा, 4,000 नहीं 3,000 गाना। यशो जी, आपको कैसा लगा गाना? ये गाना वन ऑफ द फेवरेट गाना है मेरा वेब सीरीज का। तो समझौता में एक ये ऐसा लव सॉन्ग है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, और इसकी स्टार्टिंग जो वर्डिंग ही है ना वो भी बहुत कमाल की है। और जसलीन जी, आप इसमें एक्टिंग भी कर रही हो मेन लीड प्लस गाना भी गाने वाली हो, तो आपको कैसा लग रहा है गाना? इट इज अ ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन, और मैं गा रही हूँ इसे, और साथ में शामुदा की आवाज है, तो इट्स अ वेरी ग्रेट फीलिंग, और द म्यूजिक इज वेरी नाइस, आई रियली लव्ड इट, एंड आई थिंक ये फर्स्ट गाना था दैट वी शॉट टुगेदर, वी स्टार्टेड विद दिस सॉन्ग, सो इट्स वेरी क्लोज टू आवर हार्ट एंड सबके दिल के बहुत ज्यादा करीब है, सो या इट्स अ ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन, आई लव इट। And we have shot it in a very beautiful weather of Manali and Dehradun. तो वो एक बहुत ही beautiful memory है। वो इसलिए याद है क्योंकि हमने इतनी ठंड में उसको शूट किया है कि हम खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, and we had to wear all these skimpy clothes, and केशव तो पूरे कपड़ों में थे, उनको तो ठंड नहीं लग रही थी, but मेरी बहुत हालत खराब हो रही थी। I know, she was wearing shorts and all. Yeah, so that's why we have a great memory also. So excited doing this web series? 100% सर, वेरी एक्साइटेड। जो उसमें कैरेक्टर्स, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, एक तो सारे बहुत ही दिल को छूने वाले कैरेक्टर्स हैं, और मुझे स्पेशली मेरे कैरेक्टर से बहुत ज़्यादा प्यार है, बिकॉज फर्स्ट टाइम मैं आर्मी का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, एक आर्मी गाय का। जसलीन जी, पहली बार काम कर रहे हो? जसलीन जी से मेरा बहुत पुराना एक बहुत ही क्लोज रिश्ता रहा है, लेकिन काम हम पहली बार साथ काम हम पहली बार कर रहे हैं। वैसे हम फ्रेंड्स तो बहुत साल से हैं, ऑलमोस्ट 15 इयर्स से हम दोस्त हैं। जसलीन जी, आपकी क्या पहली वेब सीरीज है ये? वेब सीरीज मेरी पहली है जी, हाँ। और पिक्चर अभी तक कितनी आपकी? अब आने वाली है, वो मेरी स्टूडेंट है जो अनूप जलोटा जी के साथ ही है, इट्स अ कॉमेडी फिल्म, और वो मार्च में अब रिलीज हो जाएगी, तो उसका पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है, और साथ में अब ये समझौता भी आ जाएगी, तो बहुत सारी चीजें और हो रही हैं। विनू जी के साथ काम करना कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, और मस्ती करते रहते हैं पूरे सेट पे, जरा भी स्ट्रेस नहीं होता, अपने अपने सब रिलैक्स कर रहे होते हैं, और आई हैड अ ग्रेट टाइम वर्किंग विद एवरीबॉडी, पूरी टीम के साथ बहुत मजा आया। आपका किस तरह का करेक्टर है इसमें? मुझे हर बार यही पूछा जाता है कि समझौता आप कर रहे हो, इसमें किस तरह का समझौता हो रहा है, तो सबसे पहली चीज़ जो है समझौता जब सुनते हैं लोग, तो मुझसे यही पूछते हैं क्या ये इंडस्ट्री के समझौतों की बात हो रही है, ये कॉम्प्रोमाइज़ जो होती हैं, तो मैं उन्हें यही कहती हूँ कि ये समझौता जो है हर इंसान की लाइफ में किसी ना किसी मोड पर अलग अलग टाइप के समझौते उन्हें करने पड़ते हैं, तो अब इसमें मैं किस तरह का समझौता कर रही हूँ यही तो मेन चीज़ है, यही है देखने लायक, क्योंकि ये रेगुलर स्टोरी नहीं है। जब मैंने भी सुनी थी मैं भी बहुत हैरान हो गई थी कि इस तरह का समझौता है, आई एम श्योर पीपल आर गोना लव इट। मेरा सवाल कुमार सानू से जी है, मैंने आपका कपिल शर्मा प्रोग्राम देखा था, अगर आपको भी कोई वेब सीरीज में अच्छा कॉमेडी करेक्टर मिले तो क्या आप करोगे? नहीं, अभी एक्टिंग का कोई शौक नहीं है। दादा कॉमेडी क्यों करेंगे, रोमांटिक करेंगे ना, रोमांस करते आए हो हमेशा। मैंने जो प्रोग्राम देखा तो वाकई में कॉमेडी से कम नहीं था वो, बहुत अच्छा प्रोग्राम था। ऑन स्टेज आशा के तो लग रहा है कि दादा आप जबरदस्त रोमांटिक करेंगे। नहीं नहीं, वो सब कुछ नहीं है, गाना गाता हूँ बस, इतना ही ऊपर वाले ने जो दिया अच्छी तरह से जबरदस्त वही करेंगे, और एक ह्यूमर की तरह, मतलब यू कैन से दैट कि बड़ा मजा करता हूँ, जैसे कि अभी समझौता, ये समझौता
अभी देखिए हम लोग सब समझौता करके इतना गर्मी के अंदर बैठ के निकल नहीं दे रहे, ये भी तो एक समझौता है ना, एसी रहते हुए भी हमको समझौता करना पड़ता है। तो बोल जसलीन जी, केशव जी, हनुदा, ये प्रोड्यूसर के पहला वेब सीरीज है लेकिन प्रोड्यूसर ने बहुत लेविशली खर्चा किया है, आप लोग तो काफ़ी काम कर चुके उनके साथ काफ़ी दिन तक, आपको कैसा एक्सपीरियंस था प्रोड्यूसर के साथ? जीतू जी के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा और बहुत ही कोऑपरेटिव। जीतू जी मतलब जितेंद्र जी? जितेंद्र जी खुले मन लोग हमारे सूरत के प्रोड्यूसर हैं जितेंद्र जी, उनका जितेंद्र तिवारी, उनके साथ एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत ही दोस्ती जैसा फील है, उन्होंने एक बहुत ही कंफर्ट फील कराया डे वन से, और अच्छा लेविशली शूट किया है वेब सीरीज, ऐसी नहीं ऐसा नहीं शूट किया है कि बस काम खत्म करने जैसा, तो ये खर्चा बहुत किया। द बेस्ट पार्ट इज यू नो कि ज्यादातर जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ना, जो पैसे वाला लगाने वाले जो होते हैं, वो हमेशा स्ट्रेस में होते हैं कि मेरा पैसा कहाँ जा रहा है, ये ठीक से हो रहा है या नहीं, दे आर ऑलवेज इन स्ट्रेस। एंड जितेंद्र जी इतने रिलैक्स्ड रहे हैं थ्रू आउट यू नो व्हाइल वी वर शूटिंग, और लैविशली इसलिए शूट किया बिकॉज वेब सीरीज में वी डोंट गेट टू सी सॉन्ग्स यू नो इतने ब्यूटिफुली, एंड वी हैव four songs yeah we have four songs beautifully picturized, so all that is again a very great thing because web series mein we don't get to see songs at all. Zyada se zyada ek item number hota hai or maybe we have some background music ya kuch aisa hota hai. aapne kuch filmein bhi produce ki thi jahan tak mere ko yaad hai, to koi aapko jaise singing ke prati koi web series mile to kya produce karoge? to sochne wali baat hai definitely. अगर ऐसा कुछ आया, गुड सब्जेक्ट लेके आए कोई, तो देखेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।